इस जनरेटर से आप एक छोटे से एलईडी को जला सकते हैं। इसके लिए आपको दो मजबूत मकनातीस और बहुत सा इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए। सबसे पहले आप दो पुराने सीडी लें और इनके दरमियान में रबर का एक टुकड़ा रखकर एक बड़ी चरखी बनाएं। इस चरखी के दोनों सिरों पर वाइशर भी होंगे। फिर इस चरखी को एक स्टैंड में नस्ब करें। इसके लिए पहले सुराख करें, फिर एक स्क्रू लगाएं, फिर एक सिलाई मशीन की बॉबिन लगाएं, फिर चरखी में एक हैंडल फिट करें और फिर चरखी को स्क्रू में डालें। इस बात का ख्याल रहे कि चरखी बिल्कुल आसानी से घूमे। फिर एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा लें जिसमें दो आमने सामने सुराख हों और इन दोनों सुराखों में एक एक रिफिल का टुकड़ा प्रेस फिट कर दें। फिर एक साइकिल की स्पोक का टुकड़ा लें, इसे रिफिल में बिल्कुल दरमियान तक दाखिल करें। फिर इसमें एक रबर का टुकड़ा पिरो दें। फिर एक स्पोक को मज़ीद दबा कर दूसरी जानिब से निकाल लें। अब इस रबर के दोनों सिरों पर एक एक मजबूत मकनातीस चस्पा कर दें। मकनातीस अपने आप चस्पा हो जाएंगे। इसके बाद में मोटर रिवाइंडिंग वाला तार लें। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। 30 गेज मोटाई का तार लें और 500 चक्कर पाइप के टुकड़े पर बांधें। गोल गोल करके बांधें। इसमें ही सबसे ज़्यादा वक्त दरकार होगा। इसके दोनों सिरों को पहले छीलें और फिर इन्हें एलईडी के साथ सोल्डर कर दें और इस कॉइल को एक रबड़ के टुकड़े की मदद से आप स्टैंड के ऊपरी हिस्से में लगाएं और कॉइल को आप तार से इस लकड़ी के साथ बांध भी सकते हैं। स्पोक की दूसरी तरफ आप एक छोटी चरखी लगाएं। अब ये पूरी शक्ल है जनरेटर की, जिसमें हर हिस्सा पुर्जा तफसील में दिखाया गया है। अब बड़ी चरखी और छोटी चरखी को एक रबर बैंड से जोड़ दें। आपका जनरेटर तैयार है। हैंडल घुमाएं और आपको ताज्जुब होगा कि एलईडी टिमटिमाता हुआ जलेगा। आप अपनी कोशिशों से एक छोटे से एलईडी को जला सकते हैं।